दोस्तों मंगल ग्रह पर एलियंस को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, मंगल ग्रह पर एलियंस की पुष्टि की गई है। ऐसे कुछ संकेत मिले हैं, ऐसी आवाज सुनाई दी जा रही है जिससे वैज्ञानिकों को लग रहा है कि ये एलियंस की हरकत हो सकती है। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्या रिकॉर्ड किया गया है आवाज और कैसे ये सारी चीजें खोज की गई, सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों बगल में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों एलियंस पर कई वर्षों से बहस छिड़ी हुई है, बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन अभी तक सही इंफॉर्मेशन एलियंस के बारे में नहीं मिल पाया है। लेकिन अभी एक जानकारी सामने निकल कर आ रही है मंगल ग्रह पर। दोस्तों आपको बता दें, मंगल ग्रह पर हाल ही में वैज्ञानिकों को एलियन डकार सुनाई दी है। जी हां दोस्तों, एलियंस की डकार सुनाई दी है। इसके सबूत नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने जुटा लिए हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि ये डकार क्या है और इसका स्रोत क्या है, ये कहां से आ रही है, क्योंकि क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर उतरने के बाद से अब तक 6 बार डकार जैसी आवाज को रिकॉर्ड किया है। लेकिन आसपास आवाज निकालने वाला कुछ दिखता नहीं है। नासा के वैज्ञानिकों के लिए भी ये घटना हैरानी करने वाली है। मंगल ग्रह पर नासा का क्यूरोसिटी रोवर साल 2012 में उतरा था। इसकी लैंडिंग गेल क्रेटर में कराई गई थी। तब से लेकर अब तक ये 6 बार डकार जैसी आवाज रिकॉर्ड कर चुका है। ये आवाज क्यूरोसिटी रोवर के डिटेक्शन सिस्टम में दर्ज हो रही है। लेकिन ये डकार जैसी आवाज कहां से आ रही है, ये वैज्ञानिकों को पता नहीं चल रहा है। इसलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर हवा की गति और दिशा की स्टडी कर रहे हैं, साथ ही आवाज के आने की संभावित दूरी का अंदाजा लगा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि क्यूरोसिटी रोवर से कितनी दूरी और किस दिशा में ये एलियन डकार आ रही है। हालांकि एलियन डकार को सटीक रूप से खोज पाना मुश्किल होगा, क्योंकि सीआईटी के मॉडल के मुताबिक कुछ डकारों की दूरी कई किलोमीटर दूर भी हो सकती है। वहां तक जाने में क्यूरोसिटी रोवर को काफी समय लग जाएगा, इसलिए वहां जाकर उनकी जांच करना संभव नहीं है। और आपको बता दें, मंगल ग्रह पर मौजूद गेल क्रेटर के दक्षिण और पश्चिम और उत्तर पश्चिम इलाके में मीथेन गैस मिला हुआ है। हो सकता है कि ये एक संयोग मात्र हो, लेकिन बिना जांच किए इसे ऐसे ही जाने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्यूरोसिटी रोवर गेल क्रेटर के उस इलाके में लैंड हुआ था जिसके आसपास मीथेन गैस निकलती है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है, एलियंस को लेकर ये खबर आ रही है, मीथेन गैस मिल रहा है, तो वहां पर हो सकता है कि वहां पर लाइफ हो, जीवन हो, इसीलिए वैज्ञानिकों को ये उम्मीद लग रही है। और कोई अपडेट जानकारी होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।